नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयु शक्ति हेल्थ योग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय डायबिटीज़ के विषय में बात करूँगी। और डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जिससे जिस व्यक्ति को भी डायबिटीज़ हो जाती है वो अंदर से खोखला होता चला जाता है, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, अंदर से कमज़ोरी फील करता है। अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो ऑल ओवर बॉडी के ऊपर असर डालता है। शरीर अंदर से खोखला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, व्यक्ति अपने आप में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील करने लग जाता है। और शुगर की प्रॉब्लम तभी आती है जब हमारा पैनक्रियाज प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। और पैनक्रियाज प्रॉपर फंक्शन तभी नहीं करता, उससे पहले हमारा लीवर जब ठीक से काम नहीं करता तो उससे हमारा डाइजेशन ख़राब होने लग जाता है। और जब डाइजेशन ख़राब होता है तो उसका असर पैनक्रियाज के ऊपर पड़ता है और पैनक्रियाज का फंक्शन वीक हो जाता है, वो प्रॉपर इंसुलिन नहीं बनाता और जिस वजह से डायबिटीज़ की शिकायत आने लग जाती है। शुगर कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो अगर एक बार हो जाए तो वो ठीक नहीं की जा सकती। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही पता चलता है कि शुगर की प्रॉब्लम आ गई है तो व्यक्ति डॉक्टर से मिलकर अपने लिए एक गोली प्रिस्क्राइब करा लेता है और ज़िंदगी भर उस गोली को खाता ही रहता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे योगासन बताऊंगी, कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी डायबिटीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो देखते हैं वो कौन कौन से योगासन हैं। तो डायबिटीज़ के लिए जितने भी आसन करे जाते हैं वो सब आसन ऐसे करने चाहिए जिनका इफ़ेक्ट हमारे लीवर और पैनक्रियाज के ऊपर अच्छे से पड़े। जब लीवर और पैनक्रियाज स्टिमुलेट होते हैं तो डायबिटीज़ जल्दी ही कंट्रोल में आने लगती है। तो अब देखते हैं योगासन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं वक्रासन। वक्रासन करने के लिए दंडासन में बैठ जाएंगे और अपना राइट लेग उठाएंगे और राइट लेग उठाकर घुटने के साथ रखेंगे मिलाकर, और लेफ्ट हैंड उठाएंगे और पैर के दूसरी साइड से ले जा करके पैर को पकड़ेंगे, दूसरा हाथ पीछे की ओर रखेंगे और उसी साइड पर देखेंगे और सांस रिलीज करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। और इसी तरह से इस क्रिया को दूसरी तरफ से करेंगे, अपना लेफ्ट लेग उठाएंगे और घुटने के दूसरी साइड रखेंगे, हाँ, और राइट हैंड उठाएंगे और पैर को पकड़ेंगे, नीचे पैर के पंजे तक ले जाएंगे और अपने लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर रखेंगे और उसी साइड पर देखेंगे और क्षमता के अनुसार रुकेंगे और सांस रिलीज करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अब करेंगे अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र इतना बढ़िया आसन है, अगर इसको रोजाना 10-12 बार कर लिया जाए तो डायबिटीज़ कब और कैसे ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसको करने के लिए हम अपना लेफ्ट पैर मोड़ेंगे और उसके ऊपर से राइट लेग उठाएंगे और घुटने के साइड में रखेंगे और लेफ्ट हैंड उठा करके पैर के पंजे को पकड़ेंगे और अपना राइट हैंड अपने बैक पर रखेंगे और पीछे की ओर देखेंगे और क्षमता के अनुसार रुकेंगे और धीरे धीरे सांस रिलीज करते हुए वापस आएंगे। इसी तरह से इस क्रिया को दूसरे पैर से दोहराएंगे। अब गहरा सांस भरेंगे, राइट लेग मोड़ेंगे, राइट घुटने को मोड़ेंगे और लेफ्ट लेग सीधा रखेंगे और पैर के पंजे को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे कमर की ओर रखेंगे और उसी साइड पर देखेंगे और क्षमता के अनुसार रुकेंगे और धीरे धीरे सांस रिलीज करते हुए वापस आएंगे। अब करेंगे मंडूकासन। इसके लिए वज्रासन में बैठेंगे, अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करेंगे, अंगूठों को मुट्ठियों के अंदर बंद कर लेंगे और नाभि के दोनों साइड पर रखेंगे और गहरा सांस भरेंगे और सांस रिलीज करते हुए झुक जाएंगे आगे की ओर और देखेंगे सामने की ओर और सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। मंडूकासन को हम एक दूसरी तरह भी कर सकते हैं। वज्रासन में ही बैठेंगे और अपने बाएं हथेली को दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रखेंगे
और थोड़ा सा प्रेस करेंगे पेट को और गहरा सांस भरेंगे और सांस रिलीज करते हुए फिर झुकते जाएंगे सामने की ओर देखेंगे। रुकेंगे क्षमता के अनुसार और सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति एक बहुत अच्छी क्रिया है। इसको करने से पेट के सभी ऑर्गन्स, हमारा लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, सभी की कार्य क्षमता बढ़ जाती है और डायबिटीज़ बहुत जल्दी समाप्त होने लग जाती है। तो इसके करने के लिए हमें अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखनी है और गर्दन सीधी, कमर सीधी। इस क्रिया को करने के लिए हमें श्वास को लेना नहीं है, श्वास को केवल बाहर निकालना है। श्वास को बाहर निकालेंगे और पेट को अंदर करेंगे और तुरंत ही बाहर कर देंगे। इस तरह से हमें ये कपालभाति करनी है और अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप कर सकते हैं उतना करें, फिर रुक जाएं और उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट कर दें। इस तरह से आप कम से कम इसको 5 मिनट तक रोजाना करें। तो जितने भी आसन मैंने अभी आपको ये डायबिटीज़ के लिए बताए हैं, ये सभी आसन हमारे लीवर और पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं और डायबिटीज़ को बहुत जल्दी समाप्त करते हैं। तो अब बारी है आज के टिप्स की। तो इसके लिए हमें 50 ग्राम मेथी लेनी है और 50 ग्राम अजवाइन लेनी है और उन दोनों को रोस्ट करके जब वो ठंडा हो जाए तो किसी कंटेनर में भर के रख लें और रोज़ाना रात को 1 गिलास पानी में 1 छोटी चम्मच मेथी का और 1 छोटी चम्मच अजवाइन का डाल करके रख दें और उसको ढक के रख दें। जब सुबह उठेंगे तो वो फूला हुआ मिलेगा आपको। फिर उसको किसी पैन में डालें और गरम करें, थोड़ा अच्छा सा गरम कर लें और उसके बाद उसको मसल कर छान लें और घूंट घूंट करके उसको पी लें। जब हम रोज़ाना इसको पीते हैं तो इससे हमारी डायबिटीज़ बहुत जल्दी कंट्रोल में आने लगती है। तो आज की जानकारी यहीं तक। मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।